होम टास्किंग में आप सबको खुश आमदीद। और आज मैं आपको प्लान्स करूँगी ग्रिल्ड चीज़ पिज़्ज़ा फ्राइज़। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए आपको चाहिए 1 किलो आलू। ये मैंने फ्रेंच फ्राइज की शेप में काट लिए हैं और इनको आधा टी स्पून नमक लगा कर मिक्स करके इनको मैं फ्राई करूँगी। कुकिंग ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, इसमें अपनी फ्रेंच फ्राइज जो है फ्राई करूंगी। इनको हमने डीप फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, वेल डन ना हो जाए। और इसी टाइम पे मैंने एक प्याज और एक शिमला मिर्च भी काट ली है, तकरीबन हाफ ऑफ कप। यहाँ मेरी फ्रेंच फ्राइज जो है वो फ्राई हो गई हैं। इनको मैं एक प्लेट में टिश्यू लेयर करके यहाँ मैंने एक स्क्वायर शेप बेकिंग टिन लिया है, आप चाहें तो राउंड बेकिंग टिन भी ले सकते हैं। इसमें हम जो है इसमें ये मेरे पास नॉन स्टिक है इसलिए मैंने इसको ऑयल नहीं किया, तो हल्का सा ऑयल कर रही हूँ। मैंने एक लेयर लगाई है चिप्स की, ये मैं लेयर बना रही हूँ। उसके ऊपर जो चॉप्ड शिमला मिर्च हैं और प्याज है वो हम डाल के स्प्रेड कर देंगे, जैसे नॉर्मल पिज्ज़ा पर आप लेयर करते हैं वैसे ही अपने किट में। ये चॉप प्याज भी हम डाल लेते हैं ऊपर। आप इसमें टॉपिंग्स अपनी मर्जी की डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, अपनी पसंद की सारी टॉपिंग्स आप डाल सकते हैं। अब मैं ऑलिव्स भी डाल रही हूँ, ग्रीन ऑलिव्स हैं मेरे पास, आपके पास लाइक ऑलिव्स हों तो वो भी डाल सकते हैं, और टमाटर भी डाल सकते हैं, और सॉसेजेस भी डाल सकते हैं, चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्याज और शिमला मिर्च। 1 कप मोज़रेला चीज़ आएगी, इसको ओवन लेयर करके इसको हमने ओवन में ग्रिल करना है 5 से 10 मिनट तक, कि जब तक जो ऊपर से लेयर है चीज़ की गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। 5 से 10 मिनट में मिलते हैं आपसे। ये मेरे फ्राइज डन हो गए, चीज़ गोल्डन ब्राउन हो गई है, ये बिल्कुल रेडी है, इसको आप सर्व करते हैं। अगर आप चाहते हैं ये देखिए कितना अच्छा चीज़ पुल क्रिएट हो रहा है और ये बहुत ही मज़ेदार लग रही है। ये देखिए जी, ये मज़ेदार सी ग्रिल चीज़ पिज़्ज़ा फ्राइज रेडी है। ये आप फिल्म में भी देख लें कि प्रोफेशनल ऐसे लगती हैं। आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लगे। इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।